गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र राजपूत वेदांत अकेडमी के जीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वो सेल का वीडियो है, सेल बायोलॉजी का मीन्स साइकोलॉजी का वीडियो है। कल मैंने साइकोलॉजी का जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आज इसको फिर से दोबारा से अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम सेल या कोशिका के बारे में बात करते हैं। कोशिका क्या होती है? दोस्तों, अरस्तु ने बताया था, अरस्तु जो हमारे बायोलॉजी के जनक कहते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने पहली बार बताया था कि कोई भी जो जीवधारी होता है, कोई भी जीवधारी की जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि यूनिट्स से मिलकर के बनती है। इस यूनिट्स को ही सेल या कोशिका कहते हैं, इसे सेल या कोशिका कहा जाता है। सेल जो होती है, किसी जीवधारी की सेल जो होती है, सेल किसी जीवधारी की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल और आधारभूत इकाई है। आधारभूत यानी कि फंडामेंटल इकाई है। मीन्स इसका अर्थ हुआ कि जो कोशिका होती है वो जीवधारी की एक फंडामेंटल यूनिट है, जीवधारी की एक आधारभूत इकाई है। इसीलिए कोई भी जो जीवधारी होता है या कोई भी लिविंग बॉडी होती है, उसका निर्माण बिना सेल या कोशिका के नहीं हो सकता। अर्थात प्रत्येक जीवधारी में, हर जीवधारी में सेल आवश्यक रूप से पाई जाती है। फिर भी इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये अपवाद है दोस्तों, एक तो प्रियोन्स, दूसरे हैं वायरॉइड्स, और तीसरे जो है इसका अपवाद है वो है वायरस। प्रियोन्स, वायरॉइड्स और वायरस, ये ऐसी जीवधारी है जिनके अंदर सेल या कोशिका नहीं पाई जाती है। प्रियोन्स जो बना होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है, केवल ओनली इसके अंदर प्रोटीन होती है। और इधर जो वायरस होता है वो आरएनए का बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये जो वायरस है ये प्रोटीन प्लस कोई एक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस डीएनए या फिर आरएनए से मिलकर के बनता है वायरस। तो दोस्तों, ये तीन ऐसे हैं जिनके अंदर, ऐसी जीवधारी है जिनके अंदर सेल नहीं पाई जाती है। बाकी सारे जीवधारियों के अंदर जो है सेल या कोशिका पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल की खोज की। खोज किसने की थी सेल की? तो सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक नाम की जो वैज्ञानिक थी, इन्होंने सेल को खोजा था, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका नाम दिया था, सेल का नाम ही सेल रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक की जो बुक है जिसमें इसका वर्णन किया था, सेल का वर्णन जो किया था, उस बुक का नाम है दोस्तों माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का वर्णन किया था। और कोशिका जो डिस्कवर की गई थी, जो खोजी गई थी, जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी गई थी वो थी ओक प्लांट की यूकेरियोटिक सेल। जो कोशिका खोजी गई थी पहली बार जो कोशिका खोजी गई है, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल जो थी वो है आपकी ओक जो प्लांट होता है उसके कॉर्क से इसको खोजा था, कॉर्क यानी कि छाल से। ये यूकेरियोटिक कोशिका थी जो खोजी गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था और इसका वर्णन माइक्रोग्राफिया में इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो अब देखते हैं दोस्तों सेल थ्योरी के बारे में।
सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को जो दिया था, इसके प्रतिपादक जो थे, प्रतिपादक कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिलीडे एवं स्वान। सिलीडेन एवं स्वान जो दो वैज्ञानिक थे, सिलीडेन एंड स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को पहली बार दिया था। इनमें जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे और जो सिलीडेन थे ये बॉटनिस्ट थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में क्या क्या होता है, सेल थ्योरी के क्या पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट सेल थ्योरी के हैं। नंबर एक, प्रत्येक जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। दूसरी, फिजियोलॉजी के कार्य की इकाई फिजियोलॉजी की इकाई सेल या कोशिका होती है। तीसरी बात है, इसमें कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, नई जो कोशिका बनती है या न्यू जो सेल होती है, उसकी उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होती है, ऐसा रोडोल्फ ब्रिचोक ने भी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोशिका सिद्धांत हुआ। अब बात आती है कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों नाम दिया जाता है साइटोलॉजी मीन्स कोशिका का अध्ययन। तो ये दोस्तों कोशिका के बारे में कुछ जानकारी होती है, कुछ जानकारी कोशिका के बारे में हुई। अब हम बात करते हैं एक सेल की स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका का संरचना, कोशिका की संरचना। तो दोस्तों हम देखते हैं कोशिका की संरचना क्या होती है। तो यहां हम देखेंगे कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो कोशिका की संरचना जो होती है उसको हम मोटे तौर पर जो दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड करती है, फिर इन तीन पार्ट के भी अगले और पार्ट है, उनको हम एक फ्लो चार्ट न बना करके फ्लो चार्ट को भी हम टुकड़ों में बना रहे हैं, जिससे तैयार करने में आसानी होगी आपको। दूसरा ये है कि आराम से तैयार हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो यूकैरियोटिक प्लांट सेल की है। प्रोकैरियोटिक सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होगा, वो क्या क्या भिन्नताएं होंगी, क्या क्या डिफरेंस होंगे इसमें, उनको हम एक कंपरेटिव स्टडी के रूप में चार्ट में बना के लास्ट में देख लेंगे। तो इससे हमको यह एक कहना चाहिए प्लांट की यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से ही कहना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल भी क्लियर हो जाएगी और दूसरी हमारी एनिमल सेल भी क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सेल दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर को जनरली हम सेल वॉल, वैक्यूल्स और कहना चाहिए प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सेल वॉल देखते हैं क्या होती है। दोस्तों ये एक सपोज दैट एक कोशिका है, एक सेल है। इस सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसमें जो जेनेटिक रचना पाई जाती है जिनमें क्रोमोसोम कहते हैं इनको। तो ये तो एक कोशिका का केंद्रक हुआ, केंद्रक या न्यूक्लियस। और ये जो बाहर की स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है, एक प्लांट की सेल वाला है दोस्तों। कोशिका भित्ती है यही जो दिखती है, ये कोशिका भित्ती मीन्स सेल वॉल, और इधर ये केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये रचना है इसकी, और यहां पर एक बड़ी सी रचना इसके अंदर पाई जाएगी, ये
इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल मीन्स रिक्तिका, इसका मतलब है रिक्तिका, वैक्यूल। तो दोस्तों ये वैक्यूल है एक, और इसके अंदर एक पदार्थ भरा होगा जो कहना चाहिए लिक्विड होगा, एक मैटर है इसके अंदर, इसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हिंदी है इसकी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार है ना, तो ये हमारी कोशिका है। अब इस कोशिका के बारे में हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी बाहरी रचना सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो दोस्तों जो सेल वॉल होती है किसी भी प्लांट की, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसी प्लांट सेल की सबसे बाहरी रचना है, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है, जो इसको एक कहना चाहिए जो सेल को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। चूंकि ये आकार देती है इसको, एक शेप देती है, इसलिए हम सेल को एक्सोस्केलेटन भी कह सकते हैं, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन या इसको सेल का फ्रेम भी हम कह सकते हैं। तो सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन और फ्रेम, सेल का फ्रेम एक ही चीज होती है। ये कोशिका की बाहरी रचना है जो इसको एक निश्चित आकार आकृति देती है, इसको मजबूती प्रदान करती है। और ये सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज जो होता है सेल्यूलोज, तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है, उसका संगठन जो है, इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो वो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज की बनी कहना चाहिए सेल, जो सेल वॉल जो होती है वो एक यूकैरियोटिक प्लांट में मिलती है। बट यही अगर बात करें हम दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो बनी होगी वो एक पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होगी, पेप्टिडो ग्लाइकॉन, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। वही यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ भी सेलुलोज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रकृति पर मिलता है, नेचर में मिलता है, वो सबसे ज्यादा वेजिटेशन यानी कि वनस्पति मिलती है। दूसरी बात हम बात करते हैं सेलवाल की, सेलवाल एक नॉन लिविंग रचना है, सेलवाल एक नॉन लिविंग रचना है, नॉन लिविंग मीन्स अजीवित होती है, नॉन लिविंग रचना होती है, लेकिन ये पारगम होती है, परमेबल होती है, पारगम, पारगम होती है और नॉन लिविंग होती है। अगली बात हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें सेलवॉल देखने को मिलती है, हिस्से में मिलती है, केवल पौधों के गैमिट में, पौधों के गैमिट्स में, पौधों के गैमिट्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये दोस्तों सेल वॉल के बारे में होता है। अच्छा, सेल वॉल जो होती है एक प्लांट को, एक पौधे को मजबूती प्रदान करती है, मजबूती जो प्रदान करती है या कहना चाहिए इसको एक निश्चित आकार आकृति देती है ना, और इसको जो कहना चाहिए इसको सेल वॉल को जो मजबूत बनाता है वो लिग्निन नाम का पदार्थ बनाता है, लिग्निन, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बात हम करते हैं रिक्तिका की, वैक्यूल की। ये रिक्तिका हमको दिख रही है, ये सेल बनी हुई है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है,
और ये वैक्यूल रिक्तिका, रिक्तिका या जो वैक्यूल होती है वैक्यूल, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक विशेष रचना है, एक विशेष रचना है। इसके अंदर जो होता है इसमें वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स वाटर और मिनरल्स यानी जल और खनिज, जल और खनिज इसके अंदर मिलते हैं वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल का जो काम होता है, वैक्यूल का जो मुख्य कार्य होता है, वैक्यूल जो रिक्तिका है इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो होता है पीएच को नियंत्रित करना, पीएच को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, कोमल ताप को नियंत्रित करना, ताप को नियंत्रित करना, इसको ही बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन ताप नियंत्रण को ही ऑस्मोरेगुलेशन बोला जाता है, तो इसी को हम ऑस्मोरेगुलेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा रिक्तिका का काम होगा। अब बात करते हैं अगली सेल के अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेल का अगला स्ट्रक्चर हमारा प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सेल का अगला स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड करेंगे, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसको हम जो है डिवाइड करेंगे जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये द्रव्य लिखा है द्रव्य। और दूसरा होगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक या इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी सेल का कंट्रोलर होता है, नियंत्रक होता है। तो इस भाग में हम दो भाग में इसको बांटते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या है ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे ये कोशिका हुई, एक सेल हुई, और ये इसका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक लसलसा चिपचिपा सा द्रव है, एक लसलसा चिपचिपा सा लिपिड है, इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया हुए, और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया इधर प्लास्टिड यानी कि लवक, माइटोकॉन्ड्रिया हुए, प्लास्टिड हुए, इसके अलावा गॉल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी हुआ इधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो ये सारे कोशिका जिसके अंदर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन जिसके अंदर पाए जाते हैं, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म वो होता है, वह द्रव है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह द्रव है जिसके अंदर विभिन्न कोशिका सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो होते हैं ये अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो जो मेटाबॉलिक क्रिया इनकी संचालित होती है सेल ऑर्गेनल्स की, वो होती है किसके अंदर, ये होती है दोस्तों साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म में पाई जाती है कुछ चीज जैसे बायो मेम्ब्रेन्स,
कहना चाहिए सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगला जो देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मींस कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दोस्तों जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे, सेल वॉल के नीचे जैसा कि बना रहा हूं देखिए डॉटेड लाइन से, सेल वॉल के नीचे एक पतली सी लेयर कोशिका में पाई जाती है, पतली सी एक लेयर पाई जाती है, इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। दोस्तों ये कोशिका झिल्ली एक तरह से बायो मेम्ब्रेन होती है, जैव झिल्ली है, क्योंकि कोशिका जीवित है इसलिए इस पर पाई जाने वाली जो झिल्ली है वो जैव झिल्ली होगी। अब जैव झिल्ली जो होती है बायो सेल मेम्ब्रेन जो होती है या जो बायो मेम्ब्रेन है उनका संगठन देख रहा है, तो संगठन जो देखते हैं हम बायो मेम्ब्रेन का क्या संगठन होता है ये हम इसको देखते हैं। तो बायो मेम्ब्रेन का जो संगठन होता है, बायो मेम्ब्रेन यानी कि कहना चाहिए जैव झिल्ली का संगठन, जैव झिल्लियों का संगठन, कंपोजिशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स। तो कंपोजिशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स को हम देखेंगे, इसका जो कंपोजिशन होता है जैव झिल्लियों का जो कंपोजिशन होता है इसका अध्ययन जो करते हैं हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल से करते हैं। कौन सा मॉडल होता है इसका? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार जैव झिल्ली के अंदर क्या क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक तो होती है प्रोटीन, प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें होती है 42%। दूसरा होता है लिपिड, और लिपिड इसमें होता है 32%। अगला होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये होता है इसमें 6%। अगला होता है जल यानी कि वाटर, ये होता है 20%। इस तरह से हमारा जैव झिल्लियों का ये संगठन हुआ, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। इसको, इस संगठन को हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल से ज्ञात किया है। अब दोस्तों इसके बाद एक सेल में, एक कोशिका में क्या होता है, इसके अंदर कुछ दूसरे पदार्थ भी होते हैं, उनके बारे में भी अब हमको पढ़ना है। ये पदार्थ कौन कौन से है दोस्तों, तो देखते हैं हम ये पदार्थ कौन कौन से है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों ये होते हैं रिजर्व मटेरियल्स, रिजर्व मटेरियल्स, रिजर्व मटेरियल्स मींस संग्रहित पदार्थ, संग्रहित पदार्थ। तो संग्रहित पदार्थ इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर कुछ फूड मटेरियल्स के रूप में, कुछ पदार्थ फूड मटेरियल्स के रूप में कुछ पदार्थ इसमें रिजर्व रहते हैं। ये पदार्थ हमारे जो हो सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ही इन्यूलिन के रूप में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कहना चाहिए पदार्थों का एज ए फूड मटेरियल इसमें स्टोर होता है सेल के अंदर, उसी को हम रिजर्व मटेरियल्स बोलते हैं। ये रिजर्व मटेरियल्स उसको कौन कौन से होते हैं ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिजर्व मटेरियल ले रहे हैं, इसके अंदर जो होता है कुछ पदार्थ है, इनमें सबसे पहले नेक्टर की बात करते हैं, नेक्टर, नेक्टर। दोस्तों नेक्टर क्या होता है, नेक्टर प्लांट सेल में जनरली देखने को मिलता है। तो जो प्लांट सेल होती है, जब एक फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, फ्लावर में जो एक कहना चाहिए फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा वगैरह होती है, स्टिग्मा है ना, इसकी जो रचना होती है उस पर एक मीठे मीठे स्वाद वाला या मीठा एक पदार्थ होता है जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज, सुक्रोज से मिलकर के बनता है। ये मीठा पदार्थ होता है, इसी को हम नेक्टर कहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज
ये जो मीठा पदार्थ है वो इसी को हम नेक्टर के नाम से जानते हैं। ये परागण की क्रिया के समय पॉलिनेशन के समय वह पौधे में डेवलप होता है। इसी के से अट्रैक्ट होकर के कीट पतंगे एक कहना चाहिए पुष्प पर एक ग्रोवर पर बैठते हैं, और जब वो वहां से ग्रोवर पर बैठते हैं और उससे जैसे आप कह सकते हो और उससे अपना कहना चाहिए कभी कभी भोजन के रूप में भी इसको प्राप्त करते हैं। जैसे मधुमक्खी हनी भी जो होती है वो नेक्टर को चूसती है, इसकी सकिंग करती है और चूसने के बाद अपने छत्ते में इसको जमा कर देती है जो शहद का रूप बनता है। तो नेक्टर जो होता है एक मीठा पदार्थ है जो फ्लावरिंग के समय या पुष्पन की क्रिया के समय पौधों में उत्पन्न होता है और यही कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये कीट पतंगे इसमें कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया को भी संपन्न करते हैं, है ना। इसका कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन में भी इसका योगदान हो सकता है, निषेचन में भी इसका योगदान हो सकता है। दोस्तों जैसे मधुमक्खी का जो शहद जो बनता है वो नेक्टर से ये करती है जाती है और अपने छत्ते में जमा करती है। तो ये तो नेक्टर हुआ, इसके अलावा दूसरे हमारे होते हैं एल्केलॉइड्स। दूसरे जो हमारे पदार्थ है वो एल्केलॉइड्स है, एल्केलॉइड्स हिंदी में भी इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स। दोस्तों जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये नाइट्रोजन के पदार्थ है, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनका जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से या प्रोटीन के ऑक्सीकरण से इनका निर्माण होता है। ये पदार्थ जो होते हैं वो ड्रग्स के रूप में काम करते हैं, ड्रग्स जैसे कई पौधों में पाए जाते हैं जैसे निकोटीन, निकोटीन एक एल्केलॉइड है, निकोटीन जो तंबाकू में मिलता है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन मिलेगा। दूसरा है चीन, चीन ये दोस्तों चाय की पत्ती में मिलता है, चाय की या चाय में कह सकते हैं क्योंकि चाय का जो भाग था पीने में यूज करते हैं वो पत्ती होता है। इसके अलावा कॉफी, कॉफी हमारा कॉफी के बीजों में मिलता है, कॉफी के जो बीजों में मिलता है वो कॉफी होता है, कॉफी के बीज में कॉफी मिलता है। एक होता है स्ट्रामोनियम, ये स्ट्रामोनियम दोस्तों जो मिलता है ये धतूरे में मिलता है, धतूरा एक नशीला पदार्थ है वो स्ट्रामोनियम के कारण ही होता है। इसके अलावा एक और होता है एट्रोपीन, ये एट्रोपा में मिलेगा। अगला होता है एट्रोपीन, ये आपका एट्रोपा में मिलेगा, एट्रोपा प्लांट में मिलता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे मॉर्फिन, हेरोल, कोडिन, ये सब कॉफी में मिलते हैं। तो अगला हुआ मॉर्फिन, हेरोल, कोडिन, ये सब कॉफी में मिलेंगे, कॉफी ठीक है, कॉफी में मिलते हैं, कॉफी ठीक है ना, कॉफी में मिलते हैं ये सब। तो ये भी एक एल्केलॉइड ही है ना। अगला देखते हैं हम ग्लूकोसाइड्स, अगले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं ग्लूकोसाइड्स। अगले पदार्थ दोस्तों कौन से हैं, ग्लूकोसाइड्स रिजर्व मटेरियल के रूप में हम अगला ग्लूकोसाइड्स को लेते हैं। ये जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं, ग्लूकोसाइड्स ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति के होते हैं ग्लूकोसाइड्स, और ये ड्रग्स के रूप में यूज किए जाते हैं जैसे एमाइगडेरिन का जो यूज होता है, एमाइगडेरिन जो पाया जाता है वो बादाम में पाया जाता है, जो बादाम का कड़वापन होता है, कड़वा जो बादाम होता है वो एमाइगडेरिन के कारण ही होता है। तो इस तरह से अगला है हमारा टैनिन, दोस्तों
जो टैनिन होता है, चाय का जो रंग होता है ना, चाय का जो रंग है वो टैनिन के कारण होता है, टैनिन। और चाय में जो फ्रेशनेस देती है वो देती है थीम के कारण, तो ये टैनिन होता है। टैनिन का उपयोग लेदर इंडस्ट्रीज या चमड़ा उद्योग में भी होता है। चमड़ा उद्योग जो होता है वहां चमड़े को कलरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों एसेंशियल ऑयल, प्लांट्स में जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, अगला एसेंशियल ऑयल के बारे में देखते हैं। एसेंशियल ऑयल दोस्तों ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं और एरोमेटिक प्लांट में जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे केवड़ा, गुलाब का इत्र, पिपरमिंट हुआ, लौंग का तेल हुआ, ये सब इसमें मिलते हैं एसेंशियल ऑयल। पिपरमिंट, लौंग का तेल, ये सब एक एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कुछ प्लांट में जिनमें एरोमेटिक कहना चाहिए, एरोमा यानी जिनमें खुशबू आती है, सुगंधित होते हैं उनमें मिलते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं हम रेजिन, अगला हम रेजिन के बारे में बात करते हैं। रेजिन क्या है? रेजिन के बारे में और देखना है। रेजिन क्या होता है ये देखते हैं। तो दोस्तों इसका रेजिन के बारे में देखते हैं। रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है जो एसेंशियल ऑयल से बनता है, जैसे इसके उदाहरण है हींग। हींग एक रेजिन होता है। इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में, पैम्स के रूप में, वार्निश के रूप में, इस तरह से उपयोग इसका किया जाता है। अगला है लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? एक मिल्क जैसा, एक दूध जैसा पदार्थ है दोस्तों, दूध जैसा एक पदार्थ है लेटेक्स, जो कुछ प्लांट में मिलता है, जैसे रबर। रबर जो प्राप्त की जाती है वो रबर प्लांट से प्राप्त की जाती है, उसमें लेटेक्स पदार्थ होता है जो दूध जैसा होता है, इसके इससे प्राप्त करते हैं रबर को। इसके अलावा अफीम भी जो प्राप्त की जाती है वो लेटेक्स से ही प्राप्त की जाती है। अब दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं कुछ पौधों के कार्बोनिक एसिड। कुछ पौधे जो होते हैं उनमें विशेष प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स में मिलते हैं, तो यहां देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड मींस कह सकते हैं कार्बनिक एसिड, या तो इसको ऑर्गेनिक एसिड को देखते हैं। कुछ विशेष पौधे होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के एसिड मिलते हैं, जिनके कारण उनकी जो कहना चाहिए उस पौधे का पार्ट का, उस पौधे के बाद का खट्टा स्वाद आता है। तो जैसे हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड के कारण ऑक्जेलस प्लांट होता है, ऑक्जेलस की पत्तियां, ऑक्जेलस की पत्तियां जो होती है वो खट्टी होती है, तो इसके कारण होती है, ये होती है ऑक्जेलिक एसिड के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, ऑक्जेलिक एसिड के कारण। तो ये चलिए जो सॉरी ऑक्जेलस की पत्तियां ऑक्जेलिक एसिड के कारण खट्टी होती है। टमाटर का खट्टापन टमाटर जो खट्टा होता है वो होता है फेरुलिक एसिड के कारण, फेरुलिक अम्ल के कारण, अम्ल इंग्लिश में फेरुलिक एसिड, यू है ये फेरुलिक एसिड के कारण होता है। इसके अलावा इमली ये खट्टी होती है टार्टरिक एसिड के कारण, टार्टरिक एसिड के कारण इमली खट्टी होती है। इसी तरह से आंवला जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड के कारण खट्टा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल।
के कारण इकट्ठा होता है, इसी को हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेब और अमरूद यानी एप्पल एंड गुआवा, ये मैलिक एसिड के कारण इकट्ठे होते हैं। मैलिक एसिड के कारण इकट्ठे होते हैं सेब और अमरूद। इसके अलावा जामुन जो दोस्त होता है उसमें मैलिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो इसको होता है मैलिक प्लस सिट्रिक एसिड प्लस एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसके कारण भी ये इकट्ठा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण इकट्ठा होता है जामुन एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड के कारण इकट्ठा होता है। इसके अलावा कच्चा जो आम होता है ये दोस्तों इकट्ठा होता है मैलिक एसिड के कारण इकट्ठा होता है। मैलिक की स्पेलिंग ये लिखी हुई है ऊपर, मैलिक एसिड के कारण इकट्ठा होता है। चले की पत्तियां होती है वो आपकी कहना चाहिए मैलिक एसिड के कारण होती है। मैलिक एसिड के कारण होती है दोस्तों। यह कच्चा आम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये जो कच्चा आम है वो मैलिक एसिड नहीं है, इसमें मैलिक एसिड की जगह पर आपका सक्सीलिक एसिड और सिट्रिक एसिड है। सक्सीलिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड दोस्तों ये थोड़ा सा कहना चाहिए गलती से लिख गया था, तो इसको सही करना है। सक्सीलिक एसिड और सिट्रिक एसिड के कारण आम जो होता है कच्चा आम खट्टा होता है। और चने की पत्तियां मैलिक एसिड के कारण होती है, और जो बेर होता है वो मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड के कारण होता है। बेर जो खट्टा होता है, बेर का खट्टापन ये होता है मैलिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड। तो दोस्तों ये हुए इसमें पाए जाने वाले प्रमुख कार्बनिक पदार्थ हुए, ऑर्गेनिक एसिड्स हुए। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं ये फिनिश करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांगों का होगा। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लेकिन दोस्तों आप इसे समझने की कोशिश करें। और वीडियो आपके लिए कहना चाहिए आपकी तैयारी में काफी मददगार साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।